कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं लूँगा, बिल्कुल छोटा सा रहेगा। हम पेपर आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो देखिए, आपको 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप सभी को पता है। तो मेरा जो कहना ये है कि आप पेपर सबसे पहले जीके का सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग आप किसी भी ऑर्डर में सोल्व कर सकते हैं। इसका लॉजिक रीज़न ये है कि जीके पेपर के अंदर आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह आपको करना नहीं। अगर आपको आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। साइंस के बाद मैथ और रीजनिंग, ये थोड़ा क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम लग सकता है, इसलिए आप इसको बाद में करने की कोशिश कीजिए, ओके। और सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चन तक कैसे भी करके पहुंचना है। देखिए, शुरू में आपने 90 क्वेश्चन कर दिए, हो सकता है उनके तो कुछ हार्ड हो, और लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल हो। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल आप लॉस के अंदर रहेंगे, ओके। तो पेपर कैसे अटेंड करना है मैंने बताया है कि हो सकता है कि आप पेपर अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया, ऐसे करके 10 क्वेश्चन नहीं आए हो, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप उसको स्किप कीजिए, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आप उसको अटेंड कीजिए, ओके। हो सकता है जब आप सेकेंड राउंड चलेंगे पेपर के अंदर, देखिए जब फर्स्ट राउंड चलेंगे तो 100 मिनट के अंदर आपका पेपर हो जाएगा अगर आप स्पीड बहुत फास्ट रहोगे। जब सेकेंड राउंड चलोगे, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट है, चार के अंदर आपके दो आंसर आपने गलत कर लिए और एक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी का यूज करके उनको ओएमआर के अंदर मार्क कर सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ आपको ओएमआर शीट भी भरनी है। सेम केस रहेगा आपका पेपर सेकंड के अंदर। तो देखिए, पेपर सेकंड के अंदर कंप्यूटर के लगभग आपके 70 से 80% कवरेज कर सकता है, जो हम डिस्कस कर ही रहे इतने टाइम से, और पेडागोजी का लगभग आपका 20% कवर कर सकता है। और सेम अप्रोच है, आपको 100 क्वेश्चन तक कैसे भी करके पहुंचना है। ऐसा नहीं हो कि सर मैं 80 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाया, मैं 90 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, इसके साथ ही ध्यान रखना है ओएमआर सही टाइम पे बनना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी प्रूफ ले जाना है और पासपोर्ट फोटो भी साथ में लेके जाना है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ओके। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुँचे, बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखना है, हो सकता है थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए वहाँ पे, ओके। और बिल्कुल कूल रहने की कोशिश कीजिए, जैसे ही पेपर अटेंड करें बिल्कुल शांत रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को। जैसे जैसे आप पेपर करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अगर पेपर आप अटेंड कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत हार्ड है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। अगर पेपर आपके लिए हार्ड है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हार्ड है, ओके। और अगर आपको लग रहा है पेपर सिंपल है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी सिंपल है। अगर आपको लग रहा है पेपर सिंपल है तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश कीजिए। पेपर अगर आपको हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले सेफ स्कोर, 40% पेपर फर्स्ट में और 40% पेपर सेकंड के अंदर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 100 आप जैसे जैसे चलते रहेंगे वापस राउंड आएगा और आप पेपर को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी आपने रिवीजन किया है, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छा रिवीजन किया होगा। मैंने एक आपको प्रॉपर तरीका भी बताया था कि लास्ट के अंदर, लास्ट एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है ताकि उनको देख कर आप जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।